यहाँ मुम्बरा वाले को फास्ट ट्रेन कभी नहीं देखा है तो खड़े होकर के यहाँ पर उसका दर्शन करो। फास्ट ट्रेन चालू करो, चालू करो, चालू करो, उत्तराखंड शौचालय व्यवहार बंद करो, बंद करो। और एसी ट्रेन हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एसी ट्रेन की फ्रिक्वेंसी और बढ़ाई जाए, दो ट्रेन एसी और बढ़ाई जाए, यहाँ पर एक है दो और बढ़ाई जाए। मुम्बरा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह सेंट्रल रेलवे के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के तरफ से किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल और सिटी पुलिस तैनात रही। आपको बता दें कि कलवा और मुम्बरा में लोकल ट्रेन जो कैंसिल हुई है और फास्ट ट्रेनों को यहाँ पर रोका नहीं जा रहा है, साथ ही एसी ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी गई है और नॉर्मल लोकल ट्रेनों की संख्या कम कर दी गई है। इसी वजह से नॉर्मल लोकल ट्रेन और फास्ट लोकल ट्रेनों की बढ़ाने की मांग को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज आम आदमी पार्टी के कलवा मुम्बरा विधानसभा अध्यक्ष अबू अल्तमश फैजी और दूरिया घड़ियाली अशरफ एडवोकेट अन्य कार्यकर्ताओं ने ये विरोध प्रदर्शन मुम्बरा रेलवे स्टेशन के एम गेट के पास किया है। मुम्बरा रेलवे स्टेशन मास्टर को अपनी मांगों को लेकर एक मेमोरेंडम भी दिया है। वहीं दुरिया घरियाली ने बताया है कि रेलवे ने उन्हें नोटिस भी भेजा है। आज हुए सुबह सुबह विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। और डिमांड लेके आए थे रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ एस्केलेटर एंड हाल्ट ऑफ फास्ट ट्रेन एट मुम्बरा, मुम्बरा पे फास्ट ट्रेनों का रुकने के बारे में। हमने ये कहा था उनको उस वक्त में बहुत साफ अल्फाज में, देखिए एस्केलेटर का तो उन्होंने वादा किया है कि साहब दिसंबर 22 तक कमीशन कर दी जाएगी। कमीशन का दो माने होता है, एक तो मानी होता है कि साहब हम इसको जो आर्किटेक्चर है उसको हम हैंड ओवर करेंगे, एक होता है कि जो स्टेक होल्डर है, जैसे कि मान लीजिए कि ये मुम्बरा स्टेशन के स्टेक होल्डर है, ठीक है, तो इनको हम हैंड ओवर कर देंगे बना करके, दोनों मानी होता है कमीशन का। अब वो टैक्टफुली उन्होंने वर्ड कमीशन यूज किया है, कंप्लीटेड नहीं लिखा है, या जो भी हो सकता है उनका क्या इंटेंशन है वो तो वो जाने, लेकिन दिसंबर तक का मुझे टाइम दिया। दूसरा बात जो उन्होंने लिखा है ये इनके ऊपर चार्जेस लग सकता है कॉमनल हार, इसका देखिए क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ एनी एडिशनल हाल्ट टू फास्ट ट्रेन विल नेसेसिटेट एडिशनल रनिंग टाइम इन द ऑलरेडी सैचुरेटेड सेक्शन। बहुत सख्त अल्फाज, इसका मतलब है कि साहब हम आपको जो हमारा टाइम टेबल बना हुआ है उसमें हम यहाँ पर कहीं पर एडजस्ट करने की नहीं कर सकते हैं, ये सैचुरेटेड सिस्टम है। हमारा ये कहना था कि दीवा यहाँ का एक चौथाई पॉपुलेशन रखता है, दीवा वहाँ पर सुबह से शाम तक 35 ट्रेनें फास्ट है, 35 ट्रेनें हैं, समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, ठीक है, कि साहब हमारा गवर्नमेंट के रिपोर्ट ये कहते हैं कि सर्विसेज एज पर पॉपुलेशन, सर्विसेज एज पर पॉपुलेशन, तो यहाँ पर तब तो हमारे चार गुना से वहाँ से होना चाहिए, 140 ट्रेनें होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। हमारा ये था कि वहाँ पर 35 है और यहाँ पे 18 थी और 10 कर दी गई घटा करके, तो और कम की गई, तो आप गोया हमारे लोगों का जान ले रहे हो, तो अब कोई भी जान जाएगी तो उसका जिम्मेदार डीआरएम नहीं होगा कि होगा, डीआरएम जिम्मेदारी लेगा वही, क्योंकि वो बर्डन बढ़ा रहा है तो लोग और मरेंगे सुबह में जाने के लिए, तुम हमारा और बढ़ाओ बजाय इसके घटा रहे हो। तो एक तो हमारा वो ट्रेन नहीं करनी है, उनका इनकार हो गया कि हम नहीं देंगे, तो जब इनकार होगा तो हमारा राइट है ना कि हम ट्रेनें रोक दें। यहाँ पर चार लाइनें बनी थी फास्ट ट्रेनों को रोकने के लिए, सर्विसेज बढ़ाने के लिए, ना कि सर्विसेज घटाने के लिए, चार लाइन बनी ना। या मुम्बरा वालों को फास्ट ट्रेन कभी नहीं देखा है तो खड़े होकर के यहाँ पर उसका दर्शन करो, फास्ट ट्रेनें कैसे जाती है, वो एक्सप्रेस ट्रेनें जो लॉन्ग रूट की आती है कितना जाती है, सिर्फ दर्शन करो, दर्शन के लिए नहीं, ये चार वो पहले से जहाँ जाती थी वहीं से गुजारिए और यहाँ से वही फास्ट ट्रेनें जाएंगी जो यहाँ पे रुकेंगी, यहाँ नहीं रुकेगी तो हम ब्लॉक कर देंगे इसको। और ये लास्ट अल्टीमेटम है हमको, आपने 149 का हम 6 दिन पहले दिया था आपको लेटर, 31 तारीख को दिया था, आप हमको कुछ नहीं बोला कि हाँ ठीक है आपने ले लिया सब कुछ किया, और कल शाम में अचानक 149 आप पकड़ा देते हैं, जो हमारे साथ इंसाफी नहीं है। आप प्रेशर में पकड़ाया या, और उसमें बहाना कहते हैं गणपति, चलो भैया हम रिस्पेक्ट करते हैं गणपति के लिए, अगर बात है तो गणपति के लिए हम आज नहीं करेंगे, लेकिन हम कॉल देंगे, आप हमको बताइए कि कौन से डेट पे आप हमको सहूलत देंगे, हमको 149 का उसके बाद नहीं देंगे, परमिशन देंगे
ताकि हम उमरा वालों को कॉल करें कि भाई यहाँ पर आके हमको ट्रेनें रोकना है, जो ट्रेन नहीं रुकेगी। नहीं, लेकिन गणपति का जो भी विसर्जन, अरे फैजी साहब आप अगर रेलवे से पूछ कर और आप आंदोलन करेंगे तो रेलवे तो कभी नहीं बोलेगी कि आप आंदोलन करो। आप अपने तरफ से क्यों नहीं डेट डिक्लेयर करते कि हम फला तारीख को आंदोलन? हमने डेट डिक्लेयर किया 6 तारीख का हमने किया, जिसे मांगा भी और इन्होंने मतलब तकरीबन ओके था, ठीक है। अचानक कल इनको भी और मुझे भी इतने फोन इंटेलिजेंस कलवा तो यहाँ फिर थाने लगातार कल्याण सबसे फोन आ रहे हैं, फिर ऊपर से फोन आ रहे हैं, सारे लोगों के आ रहे हैं। बड़ा ये सारे चीजें जो भी है तो आप, और उसके बाद इनके घर पे जाते हैं लोग और इनके पड़ोसी को देके आते हैं और शाम के तकरीबन 7 बजे इनको व्हाट्सएप पे 149 का नोटिस भेज दिया जाता है। तो हमारी तैयारी में तो प्रॉब्लम आएगा ना, हमारे सारे जो वॉलंटियर वो कह रहे हैं कि अच्छा जब अब नहीं मिला है परमिशन तो क्या करेंगे। जी हाँ, 149 का नोटिस, ये लोग चार सिविल ड्रेस के अंदर मेरे घर के ऊपर आए थे, जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। इतना कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया था, मुझे आके फोन कर रहे हैं और मैंने कहा था उनसे कि भाई आप लोग आके तो, लेकिन 4 जने सिविल ड्रेस में आएंगे। मुझे ये इश्यू नहीं है कि मुझे क्यों दिया गया है, और लेकिन लास्ट ओवर में शाम को हमको रात को नोटिस मिलेंगे, जब स्टेटमेंट मिल गया तो नोटिस देने की क्या जरूरत है? लेने के बाद नोटिस देने की क्या जरूरत, वो खुद ही बाउंड हो गया काम आया। और हर जगह के ऊपर मुझे फोन आया, जीआरपी से फोन आया, कल्याण से फोन आया, थाना से फोन आया, हर जगह का हम बराबर रिप्लाई दे रहे हैं, हर स्टेटमेंट का उनका रिप्लाई दे रहे हैं। मुझे शाम को रात को आके मुझे नोटिस देने की क्या जरूरत है? अनहैपनिंग देखिए, रात को अनहैपनिंग इसलिए होगी क्या, ये लोग को हमेशा आम आदमी पार्टी से ही तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है भाई? तकलीफ नहीं, डर है, डर है, ये बिल्कुल डर है आम आदमी पार्टी का कि भाई अगर ये लोग रस्ते के ऊपर आ गए तो कहाँ क्या से क्या कर डालेंगे। लेकिन हम आवाम के पक्ष में बात करते हैं, ये हमारा, मैं भी खुद ट्रैवल करती हूँ, मुझे जो तकलीफ होती है मैं ध्यान में रखती हूँ कि भाई आवाम को भी उतनी ही तकलीफ होगी। आज जो एस्केलेटर के लिए कुछ लोग उठा रहे थे, ये हम लोग पहले 17 मई को उठा चुके, 25 मई को जवाब आ चुका डीआरएम का कि दिसंबर के अंदर तक लग जाएगा, दिसंबर से पहले, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि और जल्दी लगे। दूसरे ये है कि हम लोग फास्ट ट्रेन की जो डिमांड है, हम लोग यहाँ फास्ट ट्रेन के लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि फास्ट ट्रेन मुंबरा को रोकना चाहिए, जबकि यही बगल में है मुंबरा में 35, वहाँ पर 35 ट्रेनें रुकती है, यहाँ पे जो है दीवा में, और यहाँ पे 10 रुकती है जबकि वहाँ से ज्यादा आबादी है, कम से कम यहाँ भी 35 तो रुकना चाहिए। और एसी ट्रेन हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एसी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई जाए, 2 ट्रेन एसी और बढ़ाई जाए, यहाँ पर 1 है 2 और बढ़ाई जाए, उसका किराया भी कम होना चाहिए ताकि जो बूढ़े और बीमार यहाँ से जाते हैं वो आसानी से जा सकें। ये हम लोगों की डिमांड है।